देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड वीडियो है शायद शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है वन प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर ए, ये साइन है ठीक है, अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो चाहे एलएचएस लेके आरएचएस ला दो, चाहे आरएचएस लेके एलएचएस ला दो, तो हम एलएचएस ले लेते हैं और आरएचएस लाएंगे ठीक है। तो हमने ले लिया एलएचएस, एलएचएस में है वन प्लस सेके अपॉन सेके। सबसे बढ़िया तरीका है सब कुछ को साइन कॉस में चेंज करो। तो हम जानते हैं कि सेके इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस ए ठीक। तो यहाँ लिख देंगे वन प्लस वन अपॉन कॉस ए होल अपॉन वन अपॉन कॉस ए ठीक है। इस वाले सेके को वन अपॉन कॉस ए किया और इस वाले कॉस को भी सेक को भी किया, तो यहाँ पर बन जाएगा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए अगर नहीं समझ में आया तो इसका मल्टीप्लाई इससे ठीक है। तो कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए और नीचे वन अपॉन कॉस ए। फिर क्या करेंगे हम यहीं पर आगे कर लेते हैं ठीक। कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए और नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पलट के, यानी कॉस ए अपॉन वन। ये कॉस ए कट गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था और पूरे एक साथ कॉमन था। ऊपर हुआ कॉस ए प्लस वन। अब लाना तो था ऊपर साइन स्क्वायर ए, तो हम सोचें कि साइन स्क्वायर ए कैसे होगा। तो हम यहाँ पर वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें और वन माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दें, तो नीचे वाला वन माइनस कॉस ए भी आ जाएगा ठीक। अब नीचे साइड तो जो आना था वो आ गया, नीचे साइड क्या आ गया वन माइनस कॉस ए, और ऊपर साइड नहीं है तो हम जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। तो क्या हो गया वन स्क्वायर वन ही हो गया माइनस कॉस स्क्वायर है। और इस वाले फॉर्मूले से देखो कि यहाँ पर आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। तो यानी कि वन माइनस साइन वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो नीचे हो गया वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपन वन माइनस कॉस ए, प्रूव हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू हो गया आर एच एस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल नहीं है, और लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले हमें सोचना है कि लाना क्या है, लाना है कॉसिक और कॉट। अब इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हम करेंगे कोशिश चेंज करने में कॉसिक कॉट में। तो एलएचएस ले लिए, अब कॉसिक और कॉट में कैसे चेंज करेंगे, तो सबको साइन ए से डिवाइड कर दो ठीक है। लिखेंगे डिवाइड बाय साइन ए ठीक है। तो क्या करेंगे दोनों को साइन ए में डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा तो क्या करेंगे हम यहां पर हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। तो सबको हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे वन को भी करेंगे तो वन अपॉन साइन ए ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हमने न्यूमिनेटर को किया है, अब अगर हम डिवाइड करते हैं ना किसी को तो ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करते हैं तो ही वो ये मतलब सही रहता है, जैसे रैशनलाइजेशन में हम लोग करते थे ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि कॉस ए को डिवाइड करना है साइन ए से, साइन ए को भी साइन ए से, और वन को भी साइन ए से ठीक। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं
कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, ठीक है कॉट ए। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, वन अपॉन साइन ए होता है कॉस ए के, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए माइनस, ये तो कट गया, वन प्लस वन अपॉन साइन ए कॉस ए के अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए कट गया वन माइनस कॉस ए के, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगा, यहाँ पर कॉट ए और कॉस ए के को साथ में लिख लूँगा, माइनस वन को अलग लिख लूँगा ब्रैकेट में। अब सोचोगे ब्रैकेट में क्यों, वो भी एक बात है, हर बात में एक बात है। तो फिर नीचे भी ऐसा ही कर लेंगे, चाहे नीचे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऊपर ही काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसमें चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। अब वन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वन के लिए तीन फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, एक होता है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे वन के लिए यहाँ पर, तो कॉट ए प्लस कॉसिक के ऐसे ही रहेगा, माइनस वन की जगह लगा देंगे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। और नीचे वाला एज इट इज कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसिक ए। फिर यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो हम देखो क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसिक ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे, यानी कॉसिक ए प्लस कॉट ए माइनस माइनस नहीं इंटू कॉसिक ए माइनस कॉट ए, समझ में आ रहा है। मतलब एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, और नीचे वही अपना कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसिक ए। फिर ये आप देखो, ये दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दो टर्म है, इन दो टर्म में से कॉमन हमें दिख रहा है ये चीज़, दोनों के पास ये है, ठीक है, तो दोनों के पास ये कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए। तो अंदर यहाँ क्या बचा, यहाँ पर पूरा कॉमन हो गया, ये गायब हो गया, तो बचा वन माइनस, यहाँ पर ये चीज़ गायब हो गया है ना, जो गायब हो गया इधर वाला, तो बचा ये, यानी कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन जो था कॉसिक ए। देखो अब यहाँ पर नीचे जो है ये ऐसे ही है ना, हम इसको थोड़ा सही से लिख लें, पहले लिख लेते हैं वन, तो वन प्लस का है तो प्लस का वन पहले लिख लें, ठीक, फिर ये माइनस कॉसिक के लिख लें और प्लस कॉट ए पीछे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू के इधर उधर नहीं ले जा रहे हैं हम, एक ही तरफ कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी अभी पता चलेगा, ठीक। फिर ऊपर क्या कर दें, कॉट ए प्लस कॉसिक ए दूसरे ब्रैकेट में वन, ब्रैकेट खुलेंगे तो माइनस कॉसिक ए, और ब्रैकेट खुला तो माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब आपको दिख रहा होगा ये चीज़ तो मल्टीप्लाई में है कि वन माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये सेम दिख रहा है ना, ये और ये सेम है, कट गया, बचा क्या, कॉट ए कॉट ए प्लस कॉसिक ए, और लाना क्या था, ये ही लाना था, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, करने के इसके और भी तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट में वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में ही, मतलब वन माइनस साइन ए, और इसको लाना है सेक ए प्लस टेन ए, तो हमने ले लिया एल एच एस, एल एच एस ले लिया, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। अब हमको क्या करना है, रेशलाइज करना है, यहाँ पे रेशलाइज कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट, मतलब
डिनोमिनेटर का कंजुगेट उसे कहते हैं, यानी नीचे वन माइनस साइन है तो हम वन प्लस साइन ए से डिवाइड, और जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया वन प्लस साइन ए से, और वन प्लस साइन ए से ही डिवाइड भी कर दिया, ठीक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने पास क्या हो गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, ठीक, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता था ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, और नीचे वन स्क्वायर का वन हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए, याद करो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन था, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पर हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए, ऊपर वन प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर ए, कैसे कॉस स्क्वायर ए, वन प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ही तो है ना। अब ये जो रूट है, ये रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा, जितने भी स्क्वायर हैं अगर होल स्क्वायर है तो अब ये स्क्वायर इस रूट को काट लिया समझ लो, हटा दिया, और ये स्क्वायर इसको काट लिया, तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस से, क्यों कॉस से रूट कट गया। अब बारी बारी दे दो, वन अपॉन कॉस से दे दो अलग, जैसे एलसीएम लेते थे तो ऐसे सेपरेट कर रहे हैं, और साइन अपन कॉस से अलग, तो कॉस से वन अपन कॉस से होता है sec a, और साइन अपन कॉस से होता है tan a, यही है RHS, ठीक है। यहाँ पे देख लो tan a प्लस sec a, ठीक वही सेम आ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हमें यहाँ पर क्या करना है, टेन थीटा लाना है, तो फिर से लेते हैं LHS। LHS क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर साइन दोनों में है तो कॉम ले लें, साइन थीटा अंदर बचा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस दोनों में है तो कॉस कॉम ले लो कॉस थीटा, अंदर बचा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा है, कई बार हम बताए हैं, तो ये वाले साइन स्क्वायर की जगह लिख लेंगे, ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस टू, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। नीचे नहीं चेंज करेंगे, कई बच्चे नीचे भी चेंज कर देंगे, नहीं हमें काम इसलिए करना है क्योंकि कट जाए, ताकि साइन कॉस लाना क्या है, टेन टेन तो इन्हीं दोनों से बन जाएगा ना, यानी इसको हमें काटना है कैसे भी, है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, और ऊपर हो गया ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर पहले तो टू कॉस स्क्वायर, ठीक है, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो वन माइनस टू, ये टू इधर गया, फिर ये इधर भी जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये साइन कॉस टेन लिख लिया पहले हमने, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन थीटा। अब बताओ वन में से टू गया माइनस का, तो माइनस का वन बचा यहाँ पर, माइनस का वन बचा, और बाकी ये बचा है ना, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन यही बचा ऊपर, और नीचे भी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन सेम होता है तो कट जाता है, टेन थीटा आ गया, आर एच एस हो गया इक्वल टू एल एच एस, प्रूव हो गया। अगला है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन ए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो हम फिर से क्या लेंगे, LHS, LHS लिया तो LHS लिख लो, साइन ए प्लस कॉस ए के प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब भी होल स्क्वायर हो तो खुद गधे बच्चे क्या करते हैं, इसको स्क्वायर दे देते हैं, इसको स्क्वायर देते हैं, तो गधे होते हैं। होशियार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले को खोल रहे हैं ठीक है ना, प्लस टू ए बी। अब एक फॉर्मूला आप जानते हो कि साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए के, और एक जानते हो कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को साथ में, फिर कॉस ए के स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर ए, फिर टू साइन ए, साइन ए की जगह क्या लिख लें, वन अपन कॉस ए के इंटू कॉस ए के, मतलब ये वाला भी हो गया। अब ये वाला बचा है, इसकी जगह देखो हम क्या लिख रहे हैं, टू कॉस ए की जगह वन अपन सेक ए इंटू सेक ए, ये और ये कटा, ये और ये कटा आपस में है क्योंकि, और यहाँ बन गया वन। कई बार बताया हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो ये और ये वन हो गया, यहाँ पे लिख दिया वन ठीक है, प्लस कॉसिक स्क्वायर ए। तो याद करो तीन फॉर्मूला हमने बोला था इसी में, कॉसिक स्क्वायर ए थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बोला था ना, और एक बोला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक, तो यहाँ से अगर हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से डिराइव करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना है टेन और सेक, लाना है टेन और कॉट, सॉरी कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेन बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, क्या बनाना है, कॉसिक और सेक को। तो कॉसिक की जगह क्या लिख लें, कॉसिक की जगह लिख लें वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है स्क्वायर ए, और सेक की जगह क्या लिख लें वन प्लस टेन स्क्वायर प्लस, यहाँ टू बचा प्लस यहाँ भी टू बचा, ये टू और ये टू है ना। अब वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, सॉरी वन प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक। तो क्या बचा, सेवन सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया आर एच एस, ठीक है। तो हो गया आर एच एस, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कॉसिक ए माइनस साइन ए, ये साइन है ठीक है, और दूसरे पैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, लाना है वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो लाना है टेन और कॉट, यहाँ पर सब कॉसिक सेक साइन कॉस दिया है, तो हम क्या करें, सबसे पहला काम अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है साइन कॉस में तोड़ो, कॉसिक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, अब फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं बोल देंगे, साइन ए को साइन ही रहने दो, सेक ए को वन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए को कॉस ए ही रहने दो, एल एच एस लिया है हमने ठीक है, यहाँ एल सी एम लिया तो हो गया वन माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक। यहाँ एलसीएम लिया तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक। ये इंटू ही है, कुछ नहीं है तो इंटू है मतलब, है ना। तो इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन, ठीक है, स्क्वायर ए। किस फॉर्मूले से याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसी फॉर्मूले से, है ना। तो अपॉन कॉस ए। अब ये एक इससे कट गया, ये एक इससे कट गया, ऊपर बचा कॉस ए साइन ए, लेकिन लाना तो ये था नहीं, लाना तो था हमें वन अपॉन टेन ए कॉट ए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं ये आया हमारे पास ऊपर साइड, तो यहाँ पर सोचेंगे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बुद्धि लगाएंगे। साइन ए कॉस ए है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं पे छोड़ दो, अब आर एच एस ले लो, आर एच एस, ठीक। वैसे आ जाएगा लेकिन इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। आर एच एस क्या है, वन अपॉन टेन ए प्लस वन अपॉन कॉट ए, सॉरी नीचे प्लस कॉट ए। इसको भी साइन कॉस में तोड़ो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमने फॉर्मूला बताया ना, ठीक है। एलसीएम ले लो नीचे इसका, इससे तो साइन स्क्वायर है, इसका इससे कॉस स्क्वायर है, नीचे वाले के नीचे से साइन ए कॉस ए, ठीक। ये हो गया, अब बताओ ये जो है नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, तो नीचे क्या हो गया वन, तो वन वन तो मल्टीप्लाई करके हो गया, ऊपर बचा साइन ए कॉस ए अपॉन वन, वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपना आ गया, तो आ गया, तो एल एच एस आर एच एस, ठीक है। तो चाहो तो अगर कभी एल एच एस आर एच एस ना आ रहा हो तो जहाँ तक तुम्हें समझ में आया वहाँ तक छोड़ के फिर आर एच एस सॉल्व करो, आएगा वो। अब नेक्स्ट है वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर है। अब इसका कहने का मतलब है इसको प्रूव करो, ये इसको भी प्रूव करो, या इसको ये प्रूव कर दो, कोई भी इसको प्रूव कर दो, मतलब सब बराबर आने चाहिए। तो हम एक बार लेंगे इसको टेन स्क्वायर ला देंगे, इसको भी लेंगे टेन स्क्वायर ला देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं एल एच एस, तो क्या है एल एच एस, वन प्लस टेन ए स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले क्या करेंगे अगर कुछ नहीं समझ में आया तो, उसको जिस फॉर्म में हो पाएगा उस फॉर्म में कर लेंगे, साइन कॉस में तोड़ लेंगे, हमने बताया है। लेकिन अगर नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, और cos sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो अगर हम ये tan उधर भेज देते हैं तो sec स्क्वायर ए क्या हो जाता है, sec स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर, और इसको उधर भेजते हैं तो cos sec स्क्वायर ए क्या हो जाता है, cot 1 प्लस cot स्क्वायर। तो ये है ना, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, ये यही है ना, इसकी रिंग क्या लिख सकते हैं cos sec स्क्वायर, ठीक। अब बताओ sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन अपॉन cos स्क्वायर,
सोचोगे कहाँ से? अरे sec थीटा इज इक्वल टू वन अपन कॉस थीटा होता है ना, बस इसी तरह कॉस सेक स्क्वायर लिख सकते हैं वन अपन साइन स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, पलट के मल्टीप्लाई, वन अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन वन। अब बताओ ऊपर हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हम लेंगे मिडिल टर्म, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या था इसमें, मिडिल टर्म नहीं है मिडिल वैल्यू, बेसिकली मिडिल वैल्यू कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है ना, वन माइनस टेन है वन अपॉन वन, वन माइनस टेन है वन माइनस कॉट है का होल स्क्वायर, इसको भी लाना है भाई। क्या करेंगे, पहली चीज वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए को कह सकते हैं वन अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, वन माइनस टेन ए ऊपर ऐसे ही है, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो टेन ए माइनस वन अपॉन टेन ए। ठीक, ऊपर वन माइनस टेन ए, नीचे अगर यहाँ टेन ए माइनस वन है ना, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कभी भी ऐसा हो कहीं लिखा है ए माइनस बी और माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस, तो यहाँ हो गया वन माइनस टेन ए, आगे पीछे हो गया अपॉन टेन ए। अब क्या करना था, पलट के मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे अगर कोई भी ऐसा हो जो ए बी के फॉर्म में हो, है ना। ठीक, तो पलटेंगे तो क्या होगा, ऊपर तो वन माइनस टेन ए ही रहेगा और इधर हो जाएगा टेन ए अपॉन माइनस का वन माइनस टेन ए और ब्रैकेट में स्क्वायर है, ये सेम है कट गया। ठीक है, पूरा कटा है पूरा मल्टीप्लाई में, बचा माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और टेन स्क्वायर है, तो ये भी आ गया। ठीक है, यही लाना था और क्या, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, यही लाना था, इससे भी यही लाना था, इससे भी यही लाना था, आ गया। ठीक, तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में। थैंक यू।